उसका तो प्रेगनेंसी बहुत माइल्ड है, इसका प्रेगनेंसी इतना भी काफ़ी माइल्ड है। तो आप देख पा रहे हैं सीधा ग्लो, मस्त है ना। हेलो दोस्तों, मैं आज आ गई हूँ आपकी स्किन के ओपन पोर्स को ठीक करने के साथ साथ एक्नी मार्क्स, डलनेस, स्किन के जो भी डल स्पॉट्स और जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसे ठीक करने। सो मैं लेकर आई हूँ गुड वाइब्स का इंस्टा ग्लो डी टैन उपटन टोनर। ये टोनर सिर्फ ना ही आपके स्किन को टोनिंग करता है, साथ ही साथ आपके स्किन को बहुत ब्राइटन अप करता है, लाइटन अप करता है, पिम्पल्स एक्नी मार्क्स को भी धीरे धीरे क्योर करता है। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखते रहना, देखना कि ये मेरा स्किन में कितना काम किया है या बिल्कुल काम नहीं किया है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शांति, आप देख रहे हो ग्लैमर शांति। तो आज पहले हम जान लेते हैं कि ये जो उपटन टोनर है ये गुड वाइब्स का है और ये इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट है वो जान लेते हैं। तो इसमें है एक्वा, सैफ्रन एक्सट्रैक्ट, नायासिनामाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, इसके बाद है हाइलोरोनिक एसिड, इसके बाद है आपका ग्लिसरीन, बैम्बू एक्सट्रैक्ट, सो ये सब ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब क्या करता है आपके स्किन को बहुत अच्छे से डार्क स्पॉट्स को निकालता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, लाइटन अप करता है। हम सभी जानते हैं कि टर्मरिक एंड सैफ्रन दोनों ही डार्क स्पॉट्स रिमूव करने में बहुत मदद करता है। इसके बाद जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में मदद करता है। नायासिनामाइड जो है वो स्किन बैरियर में मेंटेन करने में ठीक करता है। इसके अलावा एक्वा जो है हाइलोरोनिक एसिड है वो स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। तो अब बात करते हैं दो इंग्रेडिएंट जो हम कभी सुनते भी हैं तो काफ़ी सारे मतलब वीडियो में बताया नहीं जाता है कि ये प्रोडक्ट भी होता है तो इसका क्या फ़ायदा है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। सुन के लग रहा है ना काफ़ी डेंजरस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है सोडियम क्लोराइड जो है ना वो आपके स्किन में एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है, यानी कि अगर स्किन में आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, इचीनेस होता है, उसे वो ठीक करता है। इसके बाद जो सोडियम लैक्टेट होता है वो आपको आपके स्किन में वाटर का जो कंटेंट है उसे मतलब इंक्रीज करता है, जिससे आपका स्किन सॉफ्ट एंड सपल रहता है, ठीक है। गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा सा माफ़ी चाह देती हूँ, बाहर बारिश हो रहा है, उसका नॉइज़ अगर आए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें और क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो है लिकोराइज रूट एक्सट्रैक्ट एंड ककाडू एक्सट्रैक्ट। अब ककाडू क्या होता है पता है? ककाडू एक फ्रूट होता है, वो बहुत एंटी ऑक्सीडेंट होता है। ककाडू जो एक्सट्रैक्ट है ना उसमें वो स्किन को ब्राइटन अप करता है, एंटी ऑक्सीजन यानी कि एंटी एजिंग है, रिड्यूस करता है एक्ने को, डिमिनिशिंग करता है स्ट्रेच मार्क, जो स्ट्रेच मार्क हो जाता है उनको भी डिमिनिश करता है। इसके अलावा ये स्किन बैरियर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें है सेरामाइड 3, जो कि मैं अगली अलग जो अदर इंग्रेडिएंट्स है उसे मैंने बताया है, आप आई बटन में जाके देख लेना कि वहाँ पर मेरे उपटन नाइट क्रीम का भी दिया हुआ है रिव्यू, तो उसमें भी सेरामाइड 3 था, उपटन रेंज में सेरामाइड 3 है। सेरामाइड एक ऐसा चीज़ है जो हमारी स्किन बैरियर मेंटेन करने में हेल्प करता है बाहर की पॉल्यूशन से, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि ये स्किन के जो ये जो टोनर है ये टोनर हमारे स्किन में जो कितना काम करता है और ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ये क्लेम करता है कि ये टोनर आपके स्किन में जो जाएगा तो ये आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन के जितने भी डार्क स्पॉट्स है उसे रिमूव करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। और इसमें सिर्फ टोनर नहीं, इसमें पावर ऑफ सीरम है, इसमें उपटन सीरम का भी पावर है, यानी कि अब टोनर प्लस सीरम। वैसे तो गुड वाइब्स के हर एक प्रोडक्ट पे अब सीरम का पावर है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक्स में इसका भी लिंक मैं दे दूंगी, आप जाके बाय करना है तो अब भी जाओ और बाय करो और अपने स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स है ग्रेजुअली उसे ठीक करो, ठीक है। कहीं मत जाना, अभी भी वीडियो पूरा बाकी है, ठीक है। जाने से पहले ये अगर नहीं जानोगे कि मेरे साथ ये किसने काम किया है, मेरे साथ में ये कितना मुझे बेनिफिट दिया है, तो बहुत पछताओगे। सच्चाई जाने भी ना मत स्किप करना वीडियो और एंड भी नहीं करना। तो जान लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस है ₹235 फॉर 120 ml।
या ये बहुत ही बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ, ठीक है? अब देखते हैं इसका डेमो। सो रिफ्रेशिंग एंड ग्लोइंग। इसका जो प्रेगनेंसी है बहुत माइल्ड है, इसका प्रेगनेंसी कितना भी काफ़ी माइल्ड है। तो आप देख पा रहे हैं सीधा ग्लो, मस्त है ना। सो ये वाला टोनर आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए गाइस। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। मेरे एक्सपीरियंस है, जैसे कि मेरे ऐसे यहाँ पर तो पिंपल हुआ है, लेकिन इसके पहले भी ना यहाँ पर एक भी पिंपल हुआ था, तो वो डार्क स्पॉट में बन गया था। गाइस आप लोग सोच भी नहीं सकते, उसने मुझे 15 डेज में रिजल्ट दिया। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने वो टेस्ट किया था, 15 डेज में वो जो पिंपल था ना वो स्मॉल हो गया और एकदम मतलब लाइट हो गया था वो जो ब्लैक स्पॉट था, और एटलीस्ट 1 मंथ के अंदर वो मेरा पूरा गायब कर दिया था। अभी आप देख पा रहे होंगे एक भी स्पॉट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ही हुआ था वो, ठीक है? तो ये तो टोनर बहुत बढ़िया है मेरे लिए। सिर्फ ही डार्क स्पॉट, ये जो डार्क स्पॉट को रिमूव किया ऐसा ही नहीं, मेरे स्किन काफ़ी डल हो गए थे। कुछ जो ख़राब कुछ चीज़ मैंने यूज़ कर ली थी मेरे फेस के ऊपर, जिसके बाद मेरे फेस काफ़ी डल और डार्क हो गए थे। तो मुझे लगा था ये टोनर ही है जो मेरे टैन को रिमूव कर सकता है, सिर्फ टैनिंग ही नहीं मेरे डलनेस को दूर कर सकता है। एंड लिटरली गाइस ये सच में ये किया है, ये सच में मेरे स्किन के डलनेस को हटाया है, स्किन को ब्राइटन अप किया है। एंड आप देख ही पा रहे होंगे मेरे स्किन में ये ग्लो है ना। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका ये रिव्यू आपको ऑनेस्ट लगा होगा, थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसका भी उपटन नाइट क्रीम का रेंज, उपटन का रेंज है नाइट क्रीम का, वो आप यहाँ पर देख लेना। और आप लोग बहुत बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।